देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था थी जी मंडल कमीशन के अंतर्गत 49% जी, जब बिहार में जातीय गणना हुई जी जी तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए हमने आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 65% किया और इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठे नहीं जी, और इनकी मंशा ठीक नहीं थी जी। ये चाहते थे कि मामला कोर्ट में जाए ताकि रुक जाए, क्योंकि ये लोग आरक्षण आरक्षण के प्रति शोषित वंचित पीड़ित दलित आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा और ये नहीं चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था सरजमीन पर उतरे, इसीलिए इस तरह का इन्होंने कार्य किया। पटना उच्च न्यायालय से स्टे हो गया जी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मामले पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष और आंदोलन करेंगे जी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ये मामले विचाराधीन है जी, उस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल भी पार्टी बनने का काम करेगा और राष्ट्रीय जनता दल माननीय न्यायालय से अनुरोध करेगा कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि शोषितों वंचितों पीड़ितों दलित आदिवासी पिछड़े अति पिछड़े को न्याय मिल सके, क्योंकि इन वर्गों के साथ जो कहीं ना कहीं हकमारी होती रही है उनके अधिकार छीने जाते रहे हैं, अगर उनको 65% आरक्षण की व्यवस्था होगी तो उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और शैक्षणिक स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था इन्हीं कार्यों के लिए किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जब आरक्षण का बात आता है तब तब कहीं ना कहीं धर्म और भर्म की राजनीति को आगे बढ़ाती है। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ तो आडवाणी कमंडल रथ लेकर के निकले और कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने का साजिश किया, लेकिन लालू प्रसाद जी ने समय रहते उसको गिरफ्तार करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि मंडलवाद है, मंडलवाद की राजनीति को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे और देश के अंदर जो नफरत फैलाने वाली शक्तियाँ चाहती है कि नफरत के माहौल के सारे हम पिछड़े दलित शोषित वंचित के अधिकार को छीन लें वो हम नहीं होने देंगे। सर एक तरफ चिराग पासवान मतलब इसको विरोध करते हैं आरक्षण को और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी उसको सपोर्ट करते हैं, कारण क्या हो सकता है? ये मामला है SC ST का जो आरक्षण की व्यवस्था को कहीं ना कहीं वर्गीकरण करने की बात थी तो राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रीय जनता दल इस पक्ष में नहीं है जी। राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद चिराग पासवान सामने आए या अन्य लोग सामने आए। देखिए जीतन राम मांझी जी बात पलटते रहते हैं, वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, उनको किसी से मतलब नहीं, उनको मतलब है कि सत्ता हमको कैसे मिलती रहे और सत्ता के मलाई से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे, इसलिए वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि समाज और समाज के बीच में जो वर्गीकरण की स्थिति बनाई जा रही है उसको राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करता है और राष्ट्रीय जनता दल जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संवैधानिक व्यवस्था है जो हर स्तर पर छुआछूत या सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है उसको बरकरार रखने के पक्ष में है। सर कल जो BPSC पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार के स्तर से जो नौकरी देने के लिए काम किया जाना चाहिए वो काम दिखता नहीं है, जबकि महागठबंधन की सरकार रहते हुए हमने 17 महीने के अंदर में TRE 1 TRE 2 करा करके 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों को बहाल किया BPSC के माध्यम से, और जब TRE 3 का परीक्षा NDA सरकार ने लिया तो किस तरह से पर्चा लीक हुए सब लोगों ने देखा, क्योंकि वीक सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, ये नौकरी छीनने वाली सरकार है, ये नफरत फैलाने वाली सरकार है और रोज़गार और नौकरी के प्रति जिस सरकार में गंभीरता नहीं दिखती है उस सरकार इसी तरह से कार्य करती है। और जब जब शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का समय आता है तब तब ये लेट लतीफ़ी के लिए नए नए तरीके अपनाती है। जब कल शिक्षक अभ्यर्थी BPSC के कार्यालय गए थे पता करने के लिए कि आखिर क्या कारण है जो परीक्षा में इस तरह का नीति चल रहा है तो उसमें इनको बैठ करके बात कर लेना चाहिए था, लेकिन बात सुनने और बात करने की जगह
इन लोगों ने लोकतंत्र में लाठी तंत्र का सहारा लिया और लाठी तंत्र के सहारे जो छात्र अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। लेकिन यह आवाज़ इस तरह से दबाने से काम नहीं चलेगा, आपको नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीरता दिखानी होगी और आपको जो नियुक्ति पत्र दिया जाना है उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी होगी। लेट लतीफ़ी का सहारा लेकर के नौजवानों को भ्रम का शिकार मत बनाइए। नौजवानों के साथ जो आप सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं, ठगी का शिकार करते हैं, वो चीज़ अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। अब बिहार में सरकार अब चलती रह रही है दिख रहा है, सरकार कुछ करती नहीं है ये भी दिख रहा है, इसलिए करने वाली सरकार दिखनी चाहिए और वो करने वाली सरकार हमको नहीं लगता है कि NDA की सरकार होगी। आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि बिहार का नौजवान, बिहार का आम आवाम मन बना हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 में हम पुनः बिहार के राजनीति में स्थापित करने का काम करेंगे और बिहार का सिरमौर बनाने का काम करेंगे ताकि बिहार और बिहार की राजनीति जो नौकरी और रोजगार पर रख रही है उसको मजबूती मिल सके। इसके बाद रिजर्वेशन विदिन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लेकर आया जा सके। जातीय जनगणना का जहाँ तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोगों को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार कई ऐसी नीतियां है जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती है, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हो जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल जहां मैं एक तरफ में इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूं, बट हां सरकार की अपनी जानकारी के लिए इस आंकड़ों का होना जरूरी है। तेलंगाना सरकार ने इसको हायर कर लिया है सर, कोटा विद इन कोटा को उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि हम इसको तेलंगाना में लागू करेंगे। भाई बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है, बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के सवाल। देखिए, देश हित में वाक वोट बहुत जरूरी है, उसमें संशोधन और सरकार उस पर दृढ़ संकल्पित है। विपक्ष ने JP सिंह के लिए डिमांड किया और सत्ता दल निष्पक्ष भाव से दे दिया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वाक बोर्ड पर संशोधन जो हुआ है उसमें कार्रवाई होगी।